अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं निसान मोको का। ये 660 सीसी कार है, बहुत ही खूबसूरत कार है, ये जापानीज़ कार है। तो देखते हैं, हम इसका रिव्यू करते हैं। साइड से बहुत ही प्यारी लुक है, बहुत ही खूबसूरत लुक है। किसी भी तरह से ये गाड़ी वैगनार से कम नहीं है, बल्कि उससे भारी और अच्छी वजनी गाड़ी है। ये चलने में भी ये उससे उसके बराबर या उससे थोड़ी अच्छी है। ये आप निसान का लोगो देख सकते हैं, पीछे मोको का लोगो देख सकते हैं बैक पे। साइड से मैं सारा लुक सारी जो लुक है वो आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है। और अगर इंटीरियर जो है इसका वो भी काफ़ी खूबसूरत है। मीटर की बात करें तो मीटर के साइड पे जो है वो फ्यूल गेज दी गई है, दरमियान में जो है गियर का बताया गया है, LED और ये ऑटो ट्रांसमिशन और जापानीज़ गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो ज़्यादा ऑटो ही होती हैं, ऑटो गाड़ी होती है। और 660 सीसी इसका ये फ़ायदा है कि फ्यूल भी बहुत कम होता है। इसके जो साइड मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिक बटन के साथ जो हैं वो खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे। अगर स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, सोफ़ा सीट्स हैं इसमें, तो आराम के साथ बंदा कितना भी लंबी हाइट का हो, कितना भी बड़ा हो, वो इसमें आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो स्पेस बहुत ज़्यादा है इसमें, स्पेस का किसी लिहाज से कोई मसला नहीं है। तो माइलेज जो है वो भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ये लीटर में शहर में 16 से 17 और लॉन्ग पे 20 से ऊपर कर जाती है। ये कप होल्डर है, राइट साइड पे दिया गया है ड्राइविंग सीट के। और उसके अलावा ये स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये बॉटल वगैरह रखने के लिए नीचे और ऊपर जो है वो सिगरेट वगैरह के लिए, यहाँ आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। और ये स्टेयरिंग के नीचे भी स्पेस है, उसके अलावा ये साइड डोर पे वहाँ भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखने के लिए यहाँ पर स्पेस मौजूद है। ये लेफ़्ट साइड वाला कप होल्डर, काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर है इसका, बहुत ही प्यारी लुक दी गई है। वाइट के साथ ब्लैक एंड वाइट दोनों को मिक्स करके यूज़ किया गया है। डिक्की की बात करें तो डिक्की में भी काफ़ी स्पेस मौजूद है, लेकिन आप अगर इससे ज़्यादा स्पेस करना चाहें तो फिर आप जो सीट्स हैं वो उनको फोल्ड भी कर सकते हैं। फोल्ड करके आप जितना सामान रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं, सीट्स को आप फोल्ड करके जितना आपका सामान
डब्बानुमा शक्ल बन जाएगी। आप जितना मर्जी, जितना आपका दिल करे सामान इसमें स्टोर करके ले जा सकते हैं। तो हर लिहाज से ये गाड़ी जो है वो बेस्ट है। सिर्फ ये इसका एक सेटबैक है थोड़ा सा कि ये पाकिस्तानी मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से रीसेल वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा हर लिहाज से ये गाड़ी जो है चलाने में और कंफर्टेबल फील करवाने में हर लिहाज से ये गाड़ी जो है वो बेस्ट है और वैगनार से ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। सामने से लुक जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी लुक दी गई है। थोड़ी सी डब्बानुमा शेप है सामने से, तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसकी शेप और वैगनार की शेप में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।